गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। हिंदी में आज हम स्वर का पठन करेंगे, स्वर को लिखना सीखेंगे और व्यंजन लिखना सीखेंगे। पहले हम स्वर का पठन करेंगे। स्वर अ से अह, ये है अ। अ से अनार, अ से अनार। अ के बाद आ, आ से आ, आ से आ। आ के बाद ई, ई से इमली, ई से इमली। ई के बाद बड़ी ई, बड़ी इसे ईक, बड़ी इसे ईक। ये है ऊ, उसे उल्लू, उसे उल्लू। ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा उसे ऊ, बड़ा उसे ऊ। ये है री, ऋषि, ऋषि, री से ऋषि। री के बाद ए, ऐसे एडी, ऐसे एडी। ए के बाद आई, ऐसे ऐनाक, ऐसे ऐनाक। ये है ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली। औ, औ से औरत, औ से औरत। ये है अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। ये है अह, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर। अह, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ, अम, अह। अब हम स्वर को लिखेंगे। स्वर अ से अह, एक लाइन छोड़कर लिखना है। ये है अ, अ से अनार, अ से अनार। अ के बाद आता है आ, ये है आ, आ से आम, आ से आम। आ के बाद ई, ये है ई, ई से इमली, ई से इमली। ये है बड़ी ई, बड़ी इसे ईक, बड़ी इसे ईक। ये है ऊ, उसे उल्लू, उसे उल्लू। ऊ के बाद बड़ा ऊ, ये है बड़ा ऊ, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊन।
ये है री, री से ऋषि, री से ऋषि। री के बाद ए, ये है ए, ऐसे एडी, ऐसे एडी। ए के बाद आई, ये है आई, ऐसे ऐनाक, ऐसे ऐनाक। ऐ के बाद ओ, ये है ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओ के बाद औ, ये है औ, औ से औरत, औ से औरा। ये है अंग, अंग से अंगूर। ये है अह, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनाक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह। अ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ, अम, अह। अब हम चित्र के साथ व्यंजन की पहचान करके व्यंजन लिखना सीखेंगे। ये है क, क्या है ये क, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कछुआ, क से कछुआ, क से कमल, क से कमल, क से कबूतर, कछुआ, कमल। ये है ख, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खड़ाव, ख से खड़ाव, ख से खरबूजा, ख से खरबूजा, ख से खरगोश, खड़ाव, खरबूजा। ये है ग, ग से गमला, ग से गमला, ग से गद्दा, ग से गद्दा, ग से गजरा, ग से गमला, गद्दा, गजरा। ग, ग से घर, ग से घर, ग से घड़ी, ग से घड़िया, ग से घर, घड़ी, घड़िया। ये है आम। आज हम सीखेंगे ख, क्या सीखेंगे आज हम ख, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खड़ाव, ख से खरबूजा, ख से खरगोश, खड़ाव, खरबूजा। अनुरेखण करो और लिखो।
यहाँ पर जो डॉट्स दिए हैं, डॉट्स पर पहले हम ट्रेस करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करना है, बाहर ना निकले वो ध्यान रखना है। ये बन गया ख। क्या बन गया ये? ख। ख से खरगोश, ख से खरगोश। सारे ट्रेस पूरे हो जाए बाद में यहां पर लिखना है ख। इस तरह से आपको लिखना है ख। ख से खरगोश। ये है ख। ख से खरगोश। क्या है ये? ख। ख से खरगोश। ऐसे आपको पूरे पेज में लिखना है ख। ख से खरगोश। ख के चारों ओर गोल घेरा बनाओ। यहाँ पर नीचे शब्द दिए गए हैं। शब्द में से ख की पहचान करके इस तरह ऐसे ख के चारों ओर गोल घेरा बनाना है। अब हम एक कविता सुनेंगे। कविता का नाम है मेरी गुड़िया। छोटी सी यह गुड़िया है जादू की पुड़िया। छोटी सी यह गुड़िया है जादू की पुड़िया। कंघी इसकी छोटी पर लंबी है चोटी। कंघी इसकी छोटी पर लंबी है चोटी। मखमल की है जूती, रेशम की है टोपी। मखमल की है जूती, रेशम की है टोपी। आंखों में है गजरा, बालों में है गजरा। आंखों में है गजरा, बालों में है गजरा। पायल बोले जन जन, चूड़ी बोले खन खन। पायल बोले जन जन, चूड़ी बोले खन खन। फिर से एक बार। छोटी सी यह गुड़िया है जादू की पुड़िया। कंघी इसकी छोटी पर लंबी है चोटी। मखमल की है जूती, रेशम की है टोपी। आंखों में है गजरा, बालों में है गजरा। पायल बोले जन जन, चूड़ी बोले खन खन। ऐसे आपको कविता सुनकर याद रखनी है। थैंक यू।